हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है हमारे सुबह सुबह काम छोड़कर हिया की चोटी बन रही है, क्योंकि हिया आज घूमी घूमी करने जा रही है उदयपुर में। तो कल इसकी चोटी बनाई थी, इसको बहुत अच्छी लगी, तो आज इसकी ड्रेस के साथ और अच्छी लगेगी, होकर के वापस बनवा रही है। हाँ, लिपस्टिक भी लगाना ना। ठीक है, और कौन सी कलर की लिपस्टिक लगानी वो भी बता दो। रेड, रेड को अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, तो देखो कौन सी चोटी बन रही है, दिखाओ ना। हाँ। चोटी हमारी हीरो की, ऐसे घुमो ऐसे। देखो हाँ। ये वाली चोटी बन रही है, कल बनाई थी ये वाली, तो खोल के आज वापस बना रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि मैं उदयपुर जाने में तो अच्छी चोटी रहनी चाहिए ना। और बिना भुवन क्या भेजा है तेरे लिए? वो क्या कहते हैं, रोटी बनाने वाला। अच्छा, तो हिया को हमारी रोटी बनाने आ गई है, क्योंकि हिया को किसने सिखाई है? जाती ने। घर पे भी मैंने एक गोल पला है। हैं? अपन एक बार वहाँ चलाए थे शिल्पग्राम से। जल्दी बनाओ तो ना, ये तो टाइम हो जाएगा। अच्छा, जल्दी बना ली, ऊपर मेला हैं दर्द कर रहा है ना, इसलिए हाथ कल वैक्सीन लगी है तो इतना दर्द हो रहा है। रात को गोली भी लेके सोई थी, कहीं बुखार चढ़ गया तो यूँ करके, पर तो भी हाथ दर्द तो हो ही रहा है। कुछ काम तो हो नहीं रहा है, पर हिया की चोटी चोटी हम बना देते हैं, क्योंकि हियो हमारे पास इतने प्याल से आई है ना, इसलिए। मम्मी पापा ने भी कहा कि इतना जल्दी जाने तो टाइम हो जाएगा है। ऐसे बोल रहे थे? हाँ। जल्दी जाने तो टाइम हो जाएगा। हिया हमारी रेडी हो गई है, लिपस्टिक भी लग गई है। बोल कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ बताओ मुझे, सीधा देखना, ऐसे कैसे देख रही? कमेंट में बताना, कमेंट में बताना। नव भी बहुत हैंडसम दिख रहा है। रानी ला जाए हम। हाँ? रानी ला जाए। रानी चाचा? मैं तो कोई नहीं, मैं तो राजा दिख ही नहीं रहा। हाँ, यू रानी दिख रही है। हाँ। ये चकला बेलन क्या करोगी ये भी बता दो। ये मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं रोटी बनाना चाची जा गया ना। ये अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलो ना। हाँ। ये यहाँ पे लेना तो है ना, हम यहाँ पे तब भी आएंगे ना, तब लौटी बनाएंगे, तब ना इस मैं इस पर लौटी बनाऊंगी, आप इस पर लौटी बनाना। ठीक है। चलो अब एक काम यूँ करो, मेरे को किच्ची कर कर जाओ, लुको ना। आठ मस्त दिख ली वो लग गई यहाँ पे, होता देते हैं। पल तो बहुत सुंदर दिख ली है यू, बहुत क्यूट। तो आज हम उदयपुर जाले सीधी इतना तैयार किया, नहीं तो आपको भी करता। बाय बाय कर दो। बाय बाय, मैं उदयपुर जाई हूँ। मेरी हालत हो गई है खराब, जैसे कि मैंने बताया था कल मेरा वैक्सीनेशन हुआ है सेकंड डोज का, वी आर कंप्लीट वैक्सीनेट, बट ये जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, जहाँ पे वैक्सीन लगी है हाथ ऊँचा भी नहीं हो रहा है। बुखार आने की भी आकांक्षा लग रही है, क्योंकि हालत ख़राब है थोड़ी सी, इसलिए। तो अभी मैं रेस्ट भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, सब काम थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि हाथ ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाथ ऊँचा नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। पर अब देखती हूँ क्या हो रहा है पूरे दिन में, नहीं तो शॉप पर जाने के लिए ऑप्शन में रखूँगी, जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगी, दोनों बातें। खाना तो घर पर नहीं बनाऊँगी, पर 3 दिन हो गए कपड़े धोने वाली बाई नहीं आ रही है, तो 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए, तो वो तो कम से कम धोने ही पड़ेंगे। तो ये अभी वॉशिंग मशीन मैंने कुछ कपड़े तो डाले हैं, और कुछ कल जब आएगी भाई जी तब धोएगी, क्योंकि कुछ कपड़े इतने इंपॉर्टेंट है जो रोज़ के रोज़ धुलने ही चाहिए, और गीले भी हैं कुछ कपड़े, तो अब 3 दिन तक तो बास जाएंगे। भले हाथ दुख रहा है, पर इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। और मम्मी आज गए हैं उदयपुर, क्योंकि मम्मी के टीथ का ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए, और कपड़े धो रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, यही कर रही हूँ मैं आज। मेरी सांस भी थोड़ी सी फूल गई है, क्योंकि मैं आ जा रही हूँ इसलिए। और आज खाना घर पे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मुझे एक हाथ से कुछ काम, यानी दोनों हाथ से तो काम हो ही नहीं पाएगा, इसलिए। तो चिकू ने बोला कोई बात नहीं, आज अपन बाहर खा लेंगे। ओह, हार्ड डिस्क है, मेरे को मोबाइल ऐसा लगा। आज का खाना तो जैसे कि है बाहर, तो खाना तो बनाना नहीं है, बट अपन अभी चिकू आ रहे हैं यहाँ पर ग्रीन टी पीने के लिए, क्योंकि उनको ग्रीन टी पीने की इच्छा हुई है, खाना खाने का अलग ही टाइम हो गया है, ग्रीन टी पीनी है, तो अभी हम बना रहे हैं ग्रीन टी उनके लिए।
कैमरा यूं नहीं रख पाऊंगी क्योंकि हैंड इज द दुखिंग सो मच। आप दिमाग देख रहे हो मेरा, गैस पर डायरेक्ट यानी पतीला रख दिया और मैं सोचूं गर्म हो रहा है। गैस ऑन भी करना पड़ता है इसके लिए। ग्रीन टी पीने वाले हैं चिकू, ये वाली देसी कहवा एंड ग्रीन टी, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली, पर मुझे अभी पीनी नहीं है इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। चिकू आ ही रहे होंगे क्योंकि फ़ोन करके पहले से ही बोल दिया था तैयार रखो ये मैं आ रहा हूँ। और आंटी जी कर रहे हैं पोछे और सब जगह पे पंखे चालू रखे हैं तो पंखे भी बंद करने हैं। चिकू की ग्रीन टी बन के तैयार है, रूम में ले जाती हूँ, डायरेक्ट रूम में ही आएंगे इसलिए वो। आज ब्लॉग ज़रा एनर्जेटिक नहीं हो रहा है ना यार। चिकू आ गए हैं ये घर पे और इनकी ग्रीन टी भी अपन ने तैयार कर दी है। पहली बार इनके कहने पे मैंने तुरंत काम किया है। अभी आके बोलेंगे वह सेम यही चीज़ बोलेंगे, पहली बार ज़िंदगी में तुमने कोई मेरा काम कितने में किया है हूँ, क्योंकि मैं फ्री थी ना। अभी आएंगे क्या डायलॉग क्या मारेंगे वो पता करते। देखो 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 ग्रीन टी भी हाथ में पकड़ लेते लो। डायलॉग मारो तुम्हारा क्या जो तुम कहने वाले थे, पहली बार काम किया है। मैंने कहा था ये वाला ही डायलॉग आएगा, पहली बार काम किया है। क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ तो मैं इनका काम भूल जाती हूँ, क्योंकि बाकी कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। इनका क्या समझा दूंगी यूँ समझती हूँ मैं। ठीक आ रही थी लग रहा था, पर आई नहीं। अभी मैं बना रही थी बूमरैंग पर लाइट उधर बेसिंग की स्टार्ट नहीं है तो अपन डायरेक्ट बनाएंगे। अच्छा बनाया ना। मैं ऐसे ऐसे बूमरैंग्स और मेरे फोटोज़ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हूँ, जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर दो, मज़ा आ जाएगा, कुछ ना कुछ रोज़ नया नया देखने मिलेगा। और व्लॉग एक दिन बाद आता है तो आपको तो तुरंत पता चल जाएगा कि अभी क्या हो रहा है। साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं तो कपड़े धुल गए हैं, बस वो पानी के अंदर निकालने हैं अब, तो पानी तो काफ़ी गंदा है तो पानी वापस निकाल देते हैं और पानी को कर देते हैं चेंज। भूख भी लग गई है, अब खाना खाना है, चिकू को बोलती हूँ लेके चलेंगे। हो फोन आ गया। हेलो, हाँ ठीक है, कहाँ वहीं जाएंगे ना खाना खाने के लिए। ओके चलो, सोचते मैं फ़ोन आ गया इसलिए वह चलो अब जाते हैं खाना खा के आते हैं। और मेरे और चिकू के बीच में यानी सच बताऊँ बहुत ही अच्छी एक बात है, मैं कॉल उनका कभी भी कट नहीं करती हूँ और ऐसा कभी होता भी नहीं कि मैं उनका कॉल रिसीव ना करूँ, क्योंकि रेगुलर मैं उनके कॉल्स तो रिसीव करती ही हूँ और कभी मैं सामने से कॉल नहीं काटती हूँ। आज ही मैंने काटा है, अभी मुझे मिलेंगे ना तब बोलेंगे आज क्या बात है तुमने मेरा कॉल काट दिया, क्योंकि हमारी बात हो भी जाए ना तो भी हम लोग कॉल नहीं काटते, स्टार्ट ही रहता है। लव मैरिज है ना। इसलिए तो चलिए मैं अभी खाना खा के आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कैमरे को यहाँ पर करने देती हूँ रेस्ट और मैं पेट पूजा करके आती हूँ। कपड़े थोड़े से धुलने बाकी हैं, खाना खा के आ गई हूँ पर बैठी थी घर पे तो क्यों ना शॉप पर ही चली जाऊँ, तो चारों तरफ कर देती हूँ लॉक और शॉप पर चली जाती हूँ। शॉप पर आ गई हूँ, कुछ बिल्स बनाने थे वो बना दिए हैं और अभी हो रही है स्टोर में क्लीनिंग, क्योंकि अभी कुछ न्यू स्टॉक आया है उस वजह से सारा मैस हो गया है, तो दिखाती हूँ क्या हाल है अंदर का। स्टोर की हालत कुछ ऐसी है, अभी हो रही है साफ सफाई, ओके सारे चप्पे होके यहाँ रख रही है जो घुघरा घुघरा। अभी स्टोर पूरा जम चुका है, ये देखो कचरा कितना निकला है, वापिस से जमाया आज, पूरा रीऑर्गेनाइज किया है। और अभी हैप्पी भैया ज्योति ने जमाया, थोड़ी बहुत हेल्प मैंने की है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, और जो एक्स्ट्रा स्टॉक और था जगह ही नहीं है रखने के लिए, क्या करें, तो ये हमने रख दिया है हमारे स्टूडियो में। स्टूडियो के दर्शन आपको बहुत दिनों बाद हो रहे होंगे, थोड़ा वहाँ पर भी जमाया है ये इधर, और ये रही मैं। और ट्यूटोरियल बनाना है यार, क्या करें ट्यूटोरियल बन ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन रहा है, वो प्रॉब्लम आपको
जल्दी पता चलेगी। अभी चिकू एक मशीन लेके आए हैं दुकान पे। अब इस मशीन का क्या नाम है वो मुझे भी पता नहीं है, आपको दिखाती हूँ। पेपर जूसर है। पेपर जूसर ये अपने तो वेस्टेज में काम आ रही है। अपना तो अपने लिए ये कचरा ही था पर अब काम आ रही है ये सब चीजें। थोड़ा बता दो दर्शकों को अंदर कैसे हो रहा है। इस टाइप का कचरा बनता है अंदर। ऐसी वीडियो डालना मन अल्लाह गंदी गंदी। ये भी कमी है वो ये इसलिए बोलती है लेंगे तो ये डाल देते उसमें। वो अपने क्या कर रहे थे अपने अंदर उसके। ओ वार बांधे मुझे भी इसकी जब बोल दी बात। हाँ ये डाल दिया। चलो ये काम तो हो रहा है। चिकू भी कम नहीं है, टाइम पास करना बहुत पसंद है इनको। ऊपर दौड़ेगा दुकान तक पोना बुझे। सुबह तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा धूप थी और अभी अचानक से बारिश आ गई। हम तो अंदर थे यहाँ पर क्लाइंट का काम कर रहे थे पर अचानक से आवाज़ ही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बाहर जाके देखा तो अंधेरा हो गया और बारिश हो रही है अभी तो। मौसम भी क्या धीरे धीरे अलग अलग ही सीजन्स ला रहा है। और अब मैं घर जाने का सोच रही हूँ। अभी जा रहे हैं हम घर पे। हाथ की भी मैं साथ साथ में हालत बता रही हूँ। हाथ है गंभीर मेरा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और बस चिकू भी लेने आ गए। तुमको दुख रहा है? यहाँ पेन हो रहा है। मेरे को तो पूरा ही दुख रहा है। घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम गए थे होटल खाना खाने के लिए क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा था। कपड़े धोना तो मैं भूल ही गई थी, कपड़े सिर्फ धो के रख दिए थे, एक दो बार पानी से निकालने वो बाकी थे तो अभी वही चालू किया है। पूरी तरीके से धुल तो चुके हैं, बस अब इनको ड्राई करके सुखा देंगे तो सुबह तक सूखे हुए मिलेंगे अपन को। गीले कपड़े थे सारे और गीले कपड़े बहुत ज़्यादा बाँस जाते हैं इसलिए मैंने धो ही दिए। पहले तबीयत सही थी या फिर नहीं थी तो भी। तो अभी तो चिकू कुछ काम से बाहर गए, मैं अकेली हूँ। ये लैपटॉप पे हो रहा है काम। कपड़े धुल गए हैं पर चिकू सुखाने के लिए नहीं ना बोल रहे हैं कि हाथ दुख रहा है मत सुखाओ कि ज़्यादा दर्द हो जाएगा, कल सुबह सुखवा देना, भाई जी आएंगे उनके साथ। चलो आज बात मान लेते हैं पर मन में तो थोड़ी सटपटी है कि यार सुखा देते ठीक रहता पर चलो कोई बात नहीं, हेल्थ को भी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए। और इसी चीज़ के साथ मैं कर देती हूँ मेरे ब्लॉग का एंड। चलो अब बज रही है 9:30, अब सोने की भी तैयारी करते हैं। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। और जाने से पहले एक बात और बोल देती हूँ कि मेरे साथ जो जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, आपने जब वैक्सीनेशन करवाया था वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाय।